गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज न्यूमेरिकल ऑन सब्ट्रैक्शन ऑफ फैक्टर। प्रीवियस लेक्चर में मैंने सब्ट्रैक्शन ऑफ फैक्टर के बारे में आपको पढ़ाया था, किस तरीके से उसको मेंशन किया जाता है, किस तरीके से उसका डायग्राम ड्रॉ किया जाता है और क्या उसका मैग्नीट्यूड आता है, क्या उसके डायरेक्शन का रिजल्ट आता है हमारे पास। आज वही रिजल्ट हम यूज करके और बेहतरीन न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ फैक्टर के ऊपर। तो हमारा जो पहला न्यूमेरिकल है आज का, बहुत ही सिंपल है। आपको सिर्फ कंसेप्ट ये समझना है कि डायग्राम अगर आपको बनाना आ गया, डायग्राम बनाने के बाद में आपको जस्ट एक फॉर्मूला अप्लाई करके और उसको सॉल्व करना है। तो देखिए, पहला न्यूमेरिकल क्या है, एक कार रन एट 5 मीटर पर सेकंड ईस्ट। क्या बोला यहाँ पे, 5 मीटर पर सेकंड ईस्ट एट ए शार्प टर्न टू नॉर्थ, और नॉर्थ की तरफ उसने शार्प टर्न ले लिया एंड कंटिन्यू एट 5 मीटर पर सेकंड और सेम स्पीड से वो ट्रेवल कर रही है। इसका मतलब देखो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि दोनों वेक्टर सेम है, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम है बट डायरेक्शन अलग है, ये ईस्ट में है ये नॉर्थ में है। चेंज इन वेलोसिटी, तो आप कहोगे सर यहाँ से मालूम कैसे चलेगा कि ये सब्ट्रैक्शन ऑफ फैक्टर के ऊपर है। तो बेटा चेंज इन वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, सॉल्यूशन देखिए इसका, कि वी नो चेंज इन वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल v2 माइनस v1। ये नॉर्मल हम पढ़ के आ चुके हैं, 9th क्लास में भी आता है ये, तो सिंपल सा। चलिए, तो इसको मैं किस तरीके से अप्लाई करूंगा, आपको मालूम है कि इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, v2 प्लस माइनस v1 वेक्टर। यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में आप दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट नहीं करवा सकते, आप उनको ऐड ही करोगे, लेकिन एक वेक्टर नेगेटिव ऑफ वेक्टर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब हम अप्लाई करते हैं, डायरेक्शन डायग्राम बनाते हैं। एक कार है जो 5 मीटर पर सेकंड ईस्ट में जा रही है, ये ईस्ट में गई 5 मीटर पर सेकंड, ये होगी हमारी v1। ठीक है, एंड टेक ए शार्प टर्न टू नॉर्थ, और यहां से आके ऐसे वो टर्न होगी नॉर्थ में, लेकिन मैं ऐसे ले नहीं सकता क्योंकि जैसे ही मैं ऐसे लेके ऐसे लूंगा तो हेड से टेल कनेक्ट हो जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, पैरेलली इसको शिफ्ट कर दूंगा इस तरफ ताकि टेल टू टेल आ जाए। नॉर्थ डायरेक्शन ऊपर की तरफ होती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है कि ऐसे गई कार और ऐसे मुड़ गई, लेकिन इस वेक्टर को मैं ले नहीं सकता। अगर मैं इस वेक्टर को यहां लेता तो टेल से हेड कनेक्ट हो जाता, और एंगल कहां लिया जाता है, एंगल लेने की कंडीशन है टेल टू टेल होनी चाहिए दोनों वेक्टर। तो ये हो गई नॉर्थ डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकंड, ये हमारी v2 डायरेक्शन हो गई, वेलोसिटी सेकंड। फाइंड चेंज इन वेलोसिटी, तो दोनों के बीच में एंगल आपको साफ तौर पे नजर आ रहा है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इस तरीके के जब न्यूमेरिकल आते हैं तो एंगल लगभग लगभग बीच में क्या होता है, 90 डिग्री, क्योंकि चारों डायरेक्शन आपस में क्या होती है इस तरीके से, ये नॉर्थ होती है, ये ईस्ट होती है, ये वेस्ट होती है, ये साउथ, फिजिक्स के अंदर हम इस तरीके से लेके चलते हैं। तो देखिए एक्चुअली में हमें क्या चाहिए, ध्यान से देखना, लेकिन मुझे v2 और v1, ठीक है, लेकिन मुझे कौन से दो वेक्टर चाहिए, v2 वेक्टर और माइनस v1 वेक्टर, यानी v1 का माइनस यानी नेगेटिव चाहिए मुझे। ये v2 है 5 मीटर पर सेकंड, तो माइनस क्या आ जाएगा इसका, ये माइनस v1। समझे, किस वेक्टर को नेगेटिव लेना है, फॉर्मूले में देख लीजिए, जो वेक्टर नेगेटिव हो उसका बिल्कुल अपोजिट वेक्टर बना लीजिए नेगेटिव। अब हमें दो वेक्टर कौन कौन से चाहिए, v2 और -v1, तो v2 ये रहा और -v1 ये रहा, इसकी टेल और इसकी टेल, तो रिजल्टेंट क्या आएगा, ये इसको भूल जाओ बिल्कुल पूरी तरह से, तो इनके इस वेक्टर के बीच में और इस वेक्टर के बीच में भी एंगल कितना बन रहा है हमारा, 90 डिग्री। तो लगा दीजिए रिजल्टेंट और डायरेक्शन का फॉर्मूला, वैसे तो डायरेक्शन पूछी नहीं है बट रिजल्टेंट का आप लगा सकते हो, अब डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, मैंने आपको बताया था। चलिए देखिए, मैं दो तरीके से आपको करवा देता हूं, एक अपना नॉर्मल मेथड जो हम करते हुए आए हैं, जो नॉर्मल बच्चे करेंगे लगभग फर्स्ट स्टार्टिंग में जब करेंगे, तो क्या करेंगे कि r का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, a² + b² - 2ab cos थीटा, यही बताया था मैंने, सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड यही निकला था हमारा, माइनस आ गया था यहाँ पे। ए क्या है, ए v1 है, बी क्या है, बी v2 है, वैल्यू रख दीजिए और कितना आंसर आता है देखते हैं, 5 का स्क्वायर -2 × 5 × 5 cos 90 डिग्री, cos 90 0, तो ये पूरा खत्म हो गया, ये कितना बनेगा,
ये आंसर आ गया 25 प्लस 25 इज इक्वल टू रूट 50, और इसको मैं लिख सकता हूं 5√2, लिख सकता हूं बिल्कुल। ये तो हो गया जो बच्चे स्टार्टिंग में करेंगे तो वो इस तरीके से ही करेंगे, बट अगर किसी ने प्रीवियस वीडियो स्पेशल केसेस की देखी है पैरेललोग्राम की, तो मैंने ये भी बताई थी, ये बात मैंने बताई थी कि जब दोनों वेक्टर सेम सेम आ जाएं और उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बने, तो यहां भी तो वही हो रहा है, दोनों वेक्टर v2 और -v1 दोनों सेम सेम है 5 मीटर पर, और दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो रिजल्टेंट क्या आएगा, हमेशा √2p, और एंगल क्या बनेगा 45 डिग्री। तो देख लीजिए वही बन रहा है, p की वैल्यू कितनी दे रखी है 5, तो 5√2 आना तो वही है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिखने के तरीके में ये ठीक है, ये आप याद कर लो, ये आपका एक चेक करने का तरीका भी हो जाएगा, ठीक है। और मैंने बताया था जब दोनों वेक्टर एक दूसरे के बिल्कुल बराबर हों तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो पूरे एंगल को बराबर बराबर हिस्सों में बाइसेक्ट करेगा, यानी ये एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री, और ये भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री। दैट्स ऑल, खत्म, सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल है। चलिए दूसरे न्यूमेरिकल करते हैं। दूसरा न्यूमेरिकल हमारा आता है ए कार रनिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड वेस्ट की तरफ, ए कार रनिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड वेस्ट, टेक ए शार्प टर्न टुवर्ड नॉर्थ एंड कंटिन्यू एट 10 मीटर पर सेकेंड। इसमें भी क्या पूछा है उसने, इफ इट टेक टू सेकेंड इन टर्निंग, अगर वो मुड़ने में 2 सेकेंड लगा देती है तो कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ कार। ये न्यूमेरिकल है, थोड़ा सा उससे कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन वैसा ही है, बिल्कुल सेम। देखिए इसमें हम क्या करेंगे, एक कार रनिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड वेस्ट, वेस्ट की तरफ एक कार है, तो वेस्ट हम बना लेते हैं डायग्राम इसका, ये वेस्ट हो गया 10 मीटर पर सेकेंड v1 स्पीड से चल रही है, ठीक है भाई, ओके। टेक ए शार्प टर्न टुवर्ड नॉर्थ, ऐसे जाके और नॉर्थ की तरफ मुड़ गई, तो मैंने क्या बताया था, इसको ऐसे तो ले नहीं सकता, इसको यहीं पे लाके रखना पड़ेगा ताकि टेल टू टेल जुड़ सके, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये वेस्ट डायरेक्शन है, ये भी सेम डायरेक्शन, यानी दोनों का मैग्नीट्यूड वही दे रखा है, इसका मतलब दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री बन गया। इफ इट टेक 2 सेकेंड इन टर्निंग कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, अब कहोगे सब्ट्रैक्शन का न्यूमेरिकल थोड़ी ना आएंगे, मैं कहूंगा है तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, टाइम तो दे दिया 2 सेकंड, उसकी बात की बात है, पहले एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए चेंज इन वेलोसिटी फाइंड आउट करना पड़ेगा, चेंज इन वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है ये, तो इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूं आपको मालूम होगा, कौन सा वेक्टर नेगेटिव है, v1 नेगेटिव लेना पड़ेगा, तो v1 का नेगेटिव क्या होगा, ये -v1 10 मीटर पर सेकेंड। तो अब हमें ये इसको भूल जाओ, हमें दो वेक्टर कौन कौन से चाहिए, v2 और -v1, ये v2 रहा, ये -v1 रहा, तो टेल टू टेल जुड़ रही है, तो रिजल्टेंट ये आ गया, तो आप निकाल सकते हो, अब इन दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, सेम वही 90, ये तो वही क्वेश्चन बन गया जो पहले वाला था, चलिए कीजिए, तो r कितना आता है, 10 स्क्वायर -2 (10 × 10) cos 90 0, ये पूरा खत्म हो गया, क्या आंसर आ जाएगा, ये 100 + 100 √200, ये क्या बनता है 10√2 आंसर। और उस तरीके से भी आप कर सकते हो, क्योंकि ये देखो 10 मीटर पर सेकंड, ये देखो 10 मीटर पर सेकंड, दोनों
दोनों वेक्टर जब इक्वल हो और 90 डिग्री का एंगल हो तो अंडर रूट 2 पी का आंसर आता है, तो अंडर रूट 2 ये रहा और पी, पी की वैल्यू 10 है वही, तो आप कैसे भी कर सकते हो, चेक कर लेना हमारा बिल्कुल ठीक है। और एंगल कितना बन रहा था 45, यानी ये एंगल कितना बन जाएगा 45 डिग्री का। तो ये बड़ा सिंपल सा हो गया, लेकिन हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी कितनी आई है अपॉन टाइम, टाइम कितना है 2 सेकंड, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 5√2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट्स ऑल, सिंपल न्यूमेरिकल, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, बनाने का तरीका आना चाहिए, बाकी तो कुछ भी नहीं बच्चों जिसका नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और आगे हम लेके आए हैं आपके लिए एक और कंसेप्ट, इसका सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर के ऊपर एक और कंसेप्ट हम लेके आए हैं, उसको ध्यान से देखिएगा। ए प्लेन मूविंग विद, ए प्लेन मूविंग विद वेलोसिटी वी, वेलोसिटी वी टर्न बाय ए, टर्न बाय थीटा एंगल, टर्न बाय थीटा एंगल एंड इट्स स्पीड रिमेन वी, एंड इट्स स्पीड रिमेन वी, फाइंड चेंज इन वेलोसिटी, फाइंड चेंज इन वेलोसिटी। तो बड़ा सिंपल सा, देखिए एक प्लेन है, प्लेन का मतलब तो समझते हो ना, जैसे ये बोर्ड है तो एक प्लेन, ये एक साइड होगी, एक साइड ही होगी, तो ये पूरा प्लेन हो गया, टू डायमेंशन प्लेन, ये दीवार ऊपर छत नीचे फर्श, ये दीवार सब टू डायमेंशन प्लेन के अंदर आती है। तो एक प्लेन है मूविंग विद वेलोसिटी वी, वी वेलोसिटी से वो जा रहा है, और थीटा एंगल पे, थीटा एंगल पे मुड़ जाने पर भी उसकी स्पीड वी है, तो ऐसे जाके अगर वो ऐसे मुड़ा तो ऐसे तो मैं ले नहीं सकता, तो इसको इधर खिसकाऊंगा और ये वी हो जाएगा, एंगल कितना बन रहा है थीटा डिग्री। तो चेंज इन वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है हमें, तो चेंज इन वेलोसिटी फाइंड आउट करने का तरीका क्या होता है, देखिए मैग्नीट्यूड क्या है, आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कोस थीटा, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है ना रिजल्ट। वैल्यू रख देते हैं, ए की वैल्यू वी है, बी की वैल्यू भी वी है, टू वी इंटू कोस थीटा, थीटा क्या ये सही कर रहे हैं हम, बोलो। चलिए आर कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर और वी स्क्वायर, टू वी स्क्वायर माइनस टू वी स्क्वायर कोस थीटा, आर टू वी स्क्वायर कोस थीटा माइनस कॉमन आ जाएगा वन माइनस कोस थीटा, और यहाँ एक फॉर्मूला बनेगा भाई, वो याद रखना पड़ेगा आपको, ये आगे आपके मैथमेटिक्स में आ जाएगा ट्रिग्नोमेट्री का, कि वन माइनस कोस थीटा की वैल्यू कितनी होती है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे टू साइन स्क्वेयर थीटा बाई टू, ये वैल्यू याद रखनी पड़ेगी, ये एक ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला होता है, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला, ये याद रखना पड़ेगा, अपनी नोटबुक के ऊपर मार्जिन में ये लिख लेना सारी जो इंपॉर्टेंट वैल्यूज आपके सामने आती जा रही है, ठीक है। तो यहाँ से आपका रिजल्ट क्या बनेगा, ध्यान से देखिए, यहाँ भी तो स्क्वेयर चल रहा है भाई, ठीक है, तो इसको मैं कैंसिल आउट तो नहीं कर सकता, टू टू जब फोर बी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा बाई टू, तो यहाँ से जब स्क्वेयर हटेगा, तो स्क्वेयर हटेगा तो उधर जाएगा, तो क्या बनेगा टू वी साइन थीटा बाई टू, टू वी साइन थीटा बाई टू, आगे आंसर खत्म करनी, आगे चेंज में कुछ, ठीक है। ये कंसेप्ट था, ये कोई न्यूमेरिकल नहीं था, पहली बात, ठीक है। इस कंसेप्ट के ऊपर एक न्यूमेरिकल अगर मैं लेके आना चाहूँ तो क्या रिजल्ट आएगा हमारे पास, तो देखिए एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको समझाता हूँ, ये रिजल्ट हमेशा याद रखना, जब दो वेलोसिटी हो आपके साथ सेम वेलोसिटी, ये वेलोसिटी का केस है, वेलोसिटी का कंसेप्ट था, दो वेलोसिटी अगर बिल्कुल सेम है, एंगल थीटा बन रहा है, तो रिजल्टेंट उसका क्या आएगा, तो चेंज इन वेलोसिटी का रिजल्ट क्या आएगा, टू वी साइन थीटा बाई टू, ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया यहाँ पे। तो इस कंसेप्ट के ऊपर, ये कोई न्यूमेरिकल नहीं था, मैं फिर से कह रहा हूँ, इस कंसेप्ट के ऊपर मैं न्यूमेरिकल करवाने जा रहा हूँ, एक शॉर्ट ट्रिक के तौर पर आप इसको यूज कर सकते हो। तो न्यूमेरिकल है, ए बॉडी मूविंग विद, ए बॉडी मूविंग विद 20 मीटर पर सेकंड
20 मीटर पर सेकेंड टर्न बाय 60 डिग्री एंड कंटिन्यू विद 20 मीटर पर सेकेंड विद 20 मीटर पर सेकेंड फाइंड चेंज इन वेलोसिटी फाइंड चेंज इन वेलोसिटी बड़ा सिंपल है वही चेंज इन वेलोसिटी पूछी है पिछले जो कंसेप्ट मैंने समझाया था आपको उसमें दो वेलोसिटी थी वी और वी सेम यहाँ भी 20 मीटर पर सेकंड और 20 मीटर पर सेकंड वहां जो एंगल थीटा था वहां कितना है 60 डिग्री तो अब डायरेक्ट ये रिजल्ट लगाओ ना आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है अगर इस तरीके का कोई भी न्यूमेरिकल आ जाता है तो सीधा रिजल्टेंट आपके पास आ जाएगा 2 into V कितनी है 20 into sin थीटा कितना है 60 अपॉन 2 ये हो जाएगा 20 to 40 sin इससे ये कैंसिल sin 30 डिग्री एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin 30 डिग्री दैट इज 1/2 2 से 2 कैंसिल 20 आंसर क्या आ जाएगा 20 आंसर और इसको आप उस मेथड से करना चाहते हो अपना नॉर्मल मेथड वही a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2ab cos थीटा उससे कर लीजिए वही रिजल्ट हमारे पास आएगा देखते हैं सेम आता है या नहीं 20 का स्क्वायर माइनस 2 into 20 into 20 cos 60 डिग्री ठीक है सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा इसको मैं लिख सकता हूं चलिए ऐसा लिख दीजिए आप ये कितना आ जाएगा 800 और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है cos 60 तो cos 60 हमने देखा था भाई cos 60 बताइए थोड़ा सा कंफ्यूजन है 1/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 400 तो सॉल्व करेंगे तो 400 प्लस 400 माइनस 400 कैंसिल आउट अंडर रूट 400 और अंडर रूट 400 कितना होता है 20 होता है तो ऐसे कर लीजिए या ऐसे कर लीजिए मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बता दी है ताकि आपका टाइम बच सके ठीक है तो ये आपका एक कंसेप्ट था फ्रैक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी फाइंड आउट करने का न्यूमेरिकल में ठीक है अब हम लाते हैं एक और न्यूमेरिकल है हमारे पास आपके लिए यहाँ पे वो और देख लेते हैं आ जा भाई जल्दी से सारे के सारे आपको दिख रहे हैं कि एक जैसे न्यूमेरिकल आते हैं ठीक है तो एग्जाम में इस तरीके के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं द डिफरेंस ऑफ टू यूनिट वेक्टर द डिफरेंस ऑफ टू यूनिट वेक्टर क्या गिवन है इज ए यूनिट वेक्टर अरे वाह क्या बोल दिया इज ए यूनिट वेक्टर बड़ा अटपटा क्वेश्चन दे दिया फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर द डिफरेंस ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर यानी दो यूनिट वेक्टर का डिफरेंस एक यूनिट वेक्टर ही आता है तो फाइंड द एंगल बिटवीन टू अब डिफरेंस बोल दिया तो सब्ट्रैक्शन का ये बन जाता है मान लीजिए दो वेक्टर ले लिए ए और बी और दोनों की वैल्यू कितनी कितनी दे रखी है यूनिट वेक्टर है तो 1 1 और इज ए यूनिट वेक्टर यानी इनका जो रिजल्ट आएगा यानी आर रिजल्टेंट वो भी बनाता है सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला लगा दीजिए आंसर आ जाएगा आपका आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा आर कितना है 1 का स्क्वायर माइनस 2 into 1 into 1 cos थीटा 1 is equal to 1 or 1 2 2 माइनस 2 cos थीटा ये इधर आ जाएगा 2 cos थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस 1 cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 एंड cos 1/2 कहाँ होता है 60 डिग्री पर एंगल आ गया 60 डिग्री ठीक है तो इस तरीके के भी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं कभी कभी तो पजल होने की जरूरत नहीं है बहुत सिंपल से न्यूमेरिकल है तो इस लेवल के ही न्यूमेरिकल्स आपके प्लस वन में पूछे जाते हैं एग्जाम्स में और भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं लेकिन वो अगले टॉपिक्स में हैं लेकिन सब्ट्रैक्शन का यूज होता रहेगा तो सब्ट्रैक्शन का यूज करना आपको आई थिंक आ गया होगा कि किस तरीके से जब भी दो वैक्टरों को सब्ट्रैक्ट करवाया जाए तो एक वैक्टर हमेशा नेगेटिव वैक्टर में चेंज होकर ऐड किया जाता है तो आई होप क्लियर हो गए होंगे तो पढ़ते रहिए ओके आज के लिए इतना ही थैंक यू सो मच